नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। किसानों के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, इनमें से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी एक है। किसानों की आय और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों का आरोप है कि राज्य में सोयाबीन बीज की भारी कमी है और इसी कारण 60% क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं अब सरकार का दावा है कि इस बार पिछले साल से अधिक बीज मौजूद हैं और अतिरिक्त मांग के कारण किसान बीज की कमी का झूठा आरोप लगा रहे हैं। मशरूम का बिस्किट, खोवा, समोसा और अचार के बाद अब लोग पनीर और गुलाब जामुन का भी स्वाद ले सकेंगे। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिकों ने मशरूम से पनीर और गुलाब जामुन बनाने की विधि विकसित की है, जिससे किसानों व उद्यमियों को जल्द ही अवगत कराया जाएगा। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की बातें, समस्याएं, समाधान और सफलताओं को पहुँचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इनमें से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो इस सप्ताह कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसान अनुभव दुबे ने अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारी शेयर की। इसी के साथ कल भी कई प्रगतिशील किसान फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम में लाइव आएंगे। हर किसान इस क्लस्टर से जुड़े, परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़े और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाए, अपने एक एकड़ खेत में अपने परिवार को खाने के लिए शुद्ध और जहर मुक्त अनाज अपने परिवार के लिए अपने लिए सेवन करें। और ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं, मैं खुद प्रयोग करता हूं और खुद प्रयोग करने के बाद जो सर्टिफाइड करता हूं उसको अपने प्लाट पर अपने क्षेत्र के किसानों को ला करके विजिट करा करके एक एक चीज को दिखाता हूं, समझाता हूं। उसके बाद जो किसान स्वयं अपने घर पे जाकर के अपने प्लाट पर खेती करते हैं, उनको किसी भी प्रकार की अगर तकनीकी समस्याएं खेती में आती हैं तो हम उनको दूर करते हैं। और यह सब सारा काम हम लोग योग की बात करते हैं। हम लोग संन्यास के गृहस्थ में सन्यासी की भूमिका में रहते हैं। गृहस्थ को बहुत बोझ मानने की जरूरत नहीं है और किसान से बड़ा महान व्यक्ति संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ लेने के लिए अंबाला के किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं कृषि एवं कल्याण विभाग ने भी इस साल 6,300 एकड़ में कम धान लगाए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए विभाग द्वारा किसानों को 7,000 रुपए की राशि भी दी जा रही है। खरीफ सीजन में किसानों को उर्वरक की आवश्यकता होती है, लेकिन उर्वरक किसानों को कालाबाजारी में ना खरीदना पड़े, इसके लिए कृषि विभाग के निदेशक ने अधिकारियों को कई जरूरी टास्क दिए हैं, जिसमें POS मशीन से ही किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे और अगर कोई गड़बड़ी हुई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मानसून के लंबे इंतजार के बीच अगले 4 दिनों तक दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जून तक मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।